दोस्तों, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाट। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति कहते हैं, और शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो होता है वाट होता है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि दाब की ये जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है वो आपसे पूछा गया है। SI इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दाब बराबर पी बराबर होता है एफ अपॉन ए, जहाँ जो एफ है वो पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल है। वहीं अगर ए की बात करें तो ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है। चलिए आगे देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? ये भी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे न्यूमेरिकल का एक प्रश्न है जो कि ग्रुप डी में देखिए यहाँ पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, किया गया कार्य बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पे बल कितना है? 10 न्यूटन, 10 × बल की दिशा में कितना विस्थापन है? 5, यानी कि 50 यूनिट। आप ध्यान रखेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है, तो आपका जूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन नहीं करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे पूछा गया, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर।